हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी स्टूडेंट्स की मेल्स के बाद उनके मैसेजेस एंड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कि आरसी सॉल्व नहीं होता पेपर्स में। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो वीकनेस है इंग्लिश सेक्शन का वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि उनको लगता है कि जो पैसेजेस होते हैं वो लेंथी होते हैं, उनको समझना मुश्किल है और उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो हिंदी मीडियम से बेसिकली पढ़ते हैं उनके लिए आरसी सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो वो आरसी सॉल्व नहीं कर सकता, या फिर जिसने इंग्लिश मीडियम से की है तो वो जल्दी आरसी को सॉल्व करेगा। इस तरह से कुछ भी नहीं है। बेसिक जो फंडा है आरसी सॉल्व करने का वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। सभी जो स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए प्रेपरेशंस करते हैं वो क्या करते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का एक पर्टिकुलर वे है कि आपको कैसे रीडिंग स्किल्स को शार्पन करना है, कैसे आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको मिनिमम कितना टाइम लगता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। 20 मिनट्स, 25, कभी कभी 30 लग जाते हैं, क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट है तो 25 या 20 मिनट्स आपके फिक्स हैं कि आपको उस पर लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसमें से जो फर्स्ट चीज़ है आपको आज हम यही बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो आपको न्यूज़पेपर को एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वो अलग अलग ऑथर्स के लिखे हुए होते हैं। आपको ऑथर्स के बारे में पता चलता है कि उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो किस बारे में लिख रहे हैं और लिखने के टॉपिक्स क्या हैं। कि जो पेपर्स में एडिटोरियल्स आते हैं कुछ स्पोर्ट्स के होते हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके लिए हैं, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ जनरल अवेयरनेस के, इस तरह से कुछ हिस्टोरिकल भी आते हैं। तो ज़्यादा जो उम्मीद होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने की वो एडिटोरियल आर्टिकल्स की तरफ से होती है न्यूज़पेपर के। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको करना क्या है कि पहले तो आप एडिटोरियल आर्टिकल्स को पिक कीजिए कि आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, देन आप उसको 2 या 3 बार रीड कीजिए। ठीक है, उसमें से आपने वो कैबलरी तो जो निकालनी है वो तो आपका डेली बेसिस का ही काम है कि आपको न्यू वर्ड सीखने हैं तो वो कैबलरी तो स्ट्रांग होगी। उसके साथ साथ आपको समझ में आएगा कि राइटर्स जो हैं वो किस तरह से पैसेजेस को फ्रेम करते हैं, अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। कई बार जो स्टार्टिंग होती है पैराग्राफ की उसी में आपको पूरे टाइटल, पूरा जो पैराग्राफ है उसकी समरी मिल जाती है। और कभी कभी जो कंक्लूजन होता है पैराग्राफ का, लास्ट पैराग्राफ होता है, उसमें आपको पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की समरी मिलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। ठीक है, कभी कभी जो राइटर है वो विटी तरीके से स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल स्टोरीज या एनोटेशंस यूज़ करता है। ठीक है, ताकि आप थोड़ा ट्रिकस्टर टाइप के आर्टिकल्स होते हैं वो जो आपको घुमाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेजेस चल रहे हैं तो इसलिए आपका अखबार पढ़ना, बुक्स पढ़ना, अलग अलग नॉवेल्स पढ़ना या फिर जो भी मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो लिखा है एज इट इज़ समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए आपका अखबार पढ़ना सब बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ वैल्यूएबल टिप्स, जब आप आरसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास पेपर है या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि पहले पैसेज को समझना है कि पैसेज किस लिए लिखा गया है, उसका टाइटल क्या हो सकता है, बेसिक टॉपिक क्या है। ठीक है, और उसका थीम क्या है पैसेज का, कि वो एक प्रॉब्लम को शो कर रहा है, किसी एनालिसिस को शो कर रहा है, कोई इशू है पॉलिटिकल या फिर नेशनल इंटरनेशनल उसको शो कर रहा है। ठीक है, उस तरह से आपको पैसेज को पहले समझना है। फिर अंडरस्टैंड ऑथर, जिसने वो पैसेज लिखा है आरसी का या जो भी, उसको समझने की कोशिश करनी है कि जो ऑथर है वो अपने क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा है कि प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, उसके बाद वो उसको पॉजिटिव
पॉजिटिव तरीके से शो कर रहा है कि नेगेटिव तरीके से, ठीक है, या फिर उसने एक व्यंग कसा है कि उसने एक मोकिंग ली या फिर सटायरिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है या बताने की कोशिश करी है। इस तरह से ऑथर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके आरसी के थीम में जा सके, उसका डीप मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो उसका मेन आइडिया ढूंढना है कि जो सेंटर ऑफ द पैसेज है वो क्या है, ठीक है। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, पैसेज को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो फिर आती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बारी। तो अलग अलग लोगों के तरीके अलग अलग है क्वेश्चन सॉल्व करने के। कुछ लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है पूरा रीड करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, देन उसको पैराग्राफ में से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे लगता है ऐसा। और जो थर्ड ऑप्शन जो आपके पास अप्रोच होती है वो ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिया और पैराग्राफ जो से रिलेटेड है उसको पढ़ लिया, देन आप क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जो आपको लगता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को ही डिलीट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, और इन द एंड आपके पास एक राइट आंसर आता है। और नेक्स्ट टिप जो मेरे पास वो ये है कि आपको कभी अज्यूम नहीं करना है किसी भी चीज़ को। सपोज़ आपके पास कोई ऐसा पैराग्राफ आया है जिससे आप फेमिलियर हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि इस चीज़ का ये सलूशन होना चाहिए, या फिर बैंकिंग से ले लीजिए कि अगर आपके पास बैंकिंग का कोई पैराग्राफ आ गया तो आपने बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, ठीक है, आपको लगता है कि ये पैराग्राफ मैं इजीली सॉल्व कर लूँगा क्योंकि मुझे इस बारे में पता है, लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं क्योंकि आपने खुद वो पैराग्राफ नहीं लिखा है, वो किसी और राइटर का है, किसी और ऑथर का है, किसी और के व्यूज़ हैं वो, ठीक है, उसमें आपके व्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपको लिखा है आपके उस आपको उसके व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जिसने ये पैराग्राफ लिखा है उसने क्या सोच के लिखा है, अपने परसेप्शंस को अपने अजम्पशंस को दूर रखना है उस चीज़ से, चाहे आपको कितना भी पता है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन आपने कभी खुद की नॉलेज को उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और हमेशा जो है अपने जो राइटर के अप्रोच को ही ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। देन हम मूव करेंगे आज के पैराग्राफ पे, कि जो आज का हमारा पैराग्राफ है वो एक बैंकिंग से रिलेटेड जो पैराग्राफ है वो मैंने पिक किया है। ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पैराग्राफ है, मे बी कई लोगों को ये इजी भी लगेगा, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स को आरसी करना मुश्किल लगता है या जिनको बेसिक्स समझने हैं अभी आरसी करने के, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैंने ये पैराग्राफ चूज़ किया है ताकि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि उनको रीड कैसे करना है, ठीक है। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये पैराग्राफ बहुत इजी है तो आप प्लीज़ दूसरे बच्चों के बारे में सोचिए जिनको अभी तक स्टार्टिंग करनी है अपने बैंकिंग करियर की, अपने प्रिपरेशंस की, और जिनके लिए ये ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को समझे ध्यान से, ठीक है। और आज हम पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, और रीडिंग के साथ साथ आपको उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पेंसिल या पेन या हाईलाइटर होगा, उससे आपने जो भी आपको लगता है कि आपके आरसी में इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं या फिर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पैराग्राफ पहले रीड करेंगे। द टोटल स्ट्रेस इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज अबाउट 14 लाख करोड़। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द अमाउंट फॉर विच लोन्स हैव बीन गिवन टू द इंडस्ट्री एंड फॉर विच देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ फ्री पेमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है और उसके ऊपर जो टोटल स्ट्रेस है, बर्डन है बैंकिंग सिस्टम का, वो 14 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो अपने ध्यान में रखना है कि आपने हम लोन्स की बात कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे वाले पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो किसको हमने दिया हुआ है, इंडस्ट्री को, जहाँ से रीपेमेंट की कोई भी हमारे पास गारंटी नहीं है, ठीक है। द फिगर इज सेट टू इंक्रीज विद द बैंकिंग रेगुलेटर सर्टेनली रेजिंग अ फ्लैग ओवर द इनडेटनेस ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है।
फिगर इज सेट टू इंक्रीज। अब कौन सी फिगर इंक्रीज करने की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि जो पैराग्राफ्स है वो किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर फिगर की बात हो रही है वो इस 14 लाख करोड़ की है जो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेटर्स रिसेंटली रेजिंग अ रेड फ्लैग ओवर द इनडेटनेस ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। कि जो बैंकिंग रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्होंने रेड फ्लैग रेज किया है। रेड फ्लैग रेज करने का मतलब है एक खतरे की निशानी दे दी। ठीक, एंड आस्किंग बैंक्स टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग। और बैंक्स को ये ऑर्डर्स दिए गए, मैंडेट्स दिए गए कि उन्होंने एसेट प्रोविजनिंग करनी है। दिस मीन्स दैट इवन इफ द अकाउंट इज नॉट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स हैव टू सेट असाइड हायर कैपिटल। कि चाहे कोई भी अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, फिर भी बैंक्स को एक हायर कैपिटल साइड पे रखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान में आए कि अभी रिसेंटली SBI जैसे बैंक्स ने मिनिमम जो डिपॉजिट लिमिट होती है उसको इंक्रीज किया है। ठीक है, तो चाहे आपका अकाउंट था वो नॉन परफॉर्मिंग था या नहीं, लेकिन आपको वो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना पड़ा ना। ठीक है, तो बैंक्स को क्या रेगुलेशन करने को मिला कि उनको हायर कैपिटल को साइड रखवाना है ताकि वो जो लोग मिनिमम बैलेंस को खर्च ना कर पाएँ। इन फैक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड बैंक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस्ड सेक्टर्स। कि रिजर्व बैंक ने बैंक्स को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जहाँ से ये जो लोन्स वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उनको आइडेंटिफाई करें टू मेक हायर प्रोविजंस टू प्रिपेयर फॉर द बैड डेज अहेड, ताकि वो हायर प्रोविजंस रूल्स को अपने स्ट्रिक कर पाएँ और आगे आने वाले बुरे दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। ठीक है, तो इन दो पैराग्राफ से आपको ये पता चल गया कि हम यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ने जो बैंक्स को दी है हिदायतें उसके बारे में करने वाले हैं। देन बैड लोन्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैव ऑलमोस्ट डबल इन द पास्ट ईयर्स। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जिन लोन्स के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, बैड लोन्स। तो वो पास्ट ईयर्स में डबल हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, ग्रोस एनपीए एज परसेंटेज ऑफ ग्रोस एडवांसेस वेंट अप टू 9.1% इन सेप्टेम्बर 2016 फ्रॉम 5.1% इन सेप्टेम्बर 2015। कि इस तरह से जो NPAs हैं वो इंक्रीज हुए 5.1 से 9.1 में। इन द सेम पीरियड स्ट्रेस्ड एसेट्स मूव्ड अप फ्रॉम 11.3% टू 12.3%। कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, सम एस्टिमेट्स सजेस्टेड दैट इट हैड डबल्ड सिंस 2013। कि कुछ एस्टिमेट से ये पता चला कि यहाँ ये जो 2013 से अब तक का जो डाटा है वो डबल हो चुका है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर अ डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ दिस स्ट्रेस। कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका डिसप्रोपोर्शनेट, कि कुछ प्रोपोर्शन में नहीं है ये बर्डन, और स्ट्रेस्ड एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अप्रोच्ड और इवन एक्सीडेड 20%। कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो 20% को पार कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या स्ट्रेस एसेट्स हैं उनका राइज हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो बैड लोन्स हैं वो बढ़ गए हैं। अमिड द शार्प राइज इन NPA टॉक्स ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक हैव बीन गेनिंग मोमेंटम। कि अब NPA का जो बढ़ना था इसकी वजह से जो बैड बैंक को एस्टैब्लिश करने की चीज़ों के बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई। द गवर्नमेंट एंड द RBI आर ड्रॉइंग अप स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू ऑपरेशनलाइज सच अ स्कीम। कि उनको बैड बैंक बनाने की जो स्कीम है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना है। ऑपरेशनलाइज करने का मतलब है उसको कैसे लागू करना है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17 पॉइंटेड आउट द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई, वो थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जिसमें क्या है, स्ट्रेस्ड कंपनीज ऑन वन हैंड। ठीक है,
ट्विन है तो मतलब दो चीजें होंगी, एक तो स्ट्रेस्ड कंपनीज है एंड एनपीए लेडन बैंक्स ऑन द अदर, कि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम में हमारे पास दो चीजें हैं, स्ट्रेस्ड कंपनीज एंड एनपीए लेडन बैंक्स एंड एडवोकेटेड अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक, अब ये जो फ्रेज आया है आपके पास वो कहाँ से आया है? इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे ने किस चीज को एडवोकेट किया? अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्टर एसेट, कि जो पब्लिक सेक्टर एसेट है वो सेंट्रलाइज्ड हो, अलग अलग जगह पे बिखरी होने से अच्छा, डाइवर्सिफाइड होने से अच्छा है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड एडवोकेटेड है इसका मतलब है कि वो उस चीज को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सर्वे। देन रिहैबिलिटेशन एजेंसी बी एस्टैब्लिश्ड टू डील द बैड लोन्स प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या आया है? रिहैबिलिटेशन एजेंसी बनाई गई है जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैवन प्रूव्ड एनी मोर सक्सेसफुल देन बैंक्स इन रिजॉल्विंग बैड डेट्स, कि जो ये कंपनीज थी, ARCs कंपनीज थी, उन्होंने बैंक से अच्छा काम नहीं किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। द इकोनॉमिक सर्वे हैड सेड, अभी सारा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात हो रही है कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या क्या चीज़ें बताई थी बैड बैंक्स के बारे में। एक तो उसने ये बोला कि एक तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी कि जो ARCs हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये थी कि ये जो रिहैबिलिटेशन एजेंसी थी उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। अब ये कोटेड टेक्स्ट है तो इसका मतलब है कि ये अभी भी हमारे पास इकोनॉमिक जो सर्वे था उसके बारे में बात चल रही है। बट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट प्रोफेशनली रन सेंट्रल एजेंसी विद गवर्नमेंट बैकिंग, कि अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि अगर कोई प्रोफेशनली रन सेंट्रल एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है वाइल नॉट विदाउट इट्स ओन डिफिकल्टीज, कि इसको खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज दैट हैव इम्पीडेड प्रोग्रेस। अब इम्पीडेड प्रोग्रेस का मतलब है कि कैन ओवरकम, ओवरकम हम किस चीज़ को करते हैं? प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज दैट हैव इम्पीडेड प्रोग्रेस। अब बैड बैंक्स ने क्या किया है? हमारी प्रोग्रेस को इम्पीड कर दिया है। इम्पीड मतलब कि उन्हें रोका हुआ है, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। वन चैलेंज प्राइवेट सेक्टर ARCs फेस इज दैट ऑफ कैपिटल, कि जो ARCs के पास प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है? कैपिटल की। नन ऑफ द एंटिटीज टिल नाउ हैज बिन अलाउड टू टैप द कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स, कि किसी भी एंटिटी, किसी भी ARC को अभी तक ये परमिशन नहीं है कि वो फंड्स को रेज कर सके। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक विच रिसेंटली टुक, अभी एक एग्जाम्पल है, तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना अनलेस कि उसका कोई मेंशन आपके क्वेश्चन में आया हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऐसे कि कोटक महिंद्रा बैंक विच रिसेंटली टुक इट्स बोर्ड्स अप्रूवल टू रेज 5,300 करोड़ इक्विटी सेट, द बैंक ऑल्सो वॉन्टेड टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज इन एक्विजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन इन अ बैड बैंक। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने ये बोला, पहले तो उसने फंड रेज किया, अप्रूवल ले ली फंड रेजिंग की, और उसने ये कहा कि बैंक्स को खुद भी कैपिटल की नीड है ताकि वो स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वेंट कर सके, पहचान सके, उनको सॉल्व कर सके, और बैड बैंक को उसमें पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। कोटक महिंद्रा प्राइम एंड कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी द कोटक महिंद्रा ग्रुप आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्योनिक्स एंड टुगेदर ओन 49% स्टेक। अब ये बताया हुआ है कि कोटक महिंद्रा ने किस कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो दीज लाइन्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये कोट कोट करने के लिए दी गई थी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम ये जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर से एक कोटेड टेक्स्ट आया है हमारे पास, द ARC आर बैडली कैपिटलाइज्ड, कि जो ARCs हैं उनके पास कैपिटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, दे आर बैडली कैपिटलाइज्ड
वी सी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कोटेक इन दिस, कि हमारे पास अब कोटेक के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी मौका दिख रहा है। और ये बात किसने बोली है? मिस्टर कोटेक ने, ठीक है, जो कहते हैं कि हमें 2 या 3 बैड बैंक्स की जरूरत है देश में। सम सेंट्रल बैंक एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो एडमिटेड कैपिटल वॉज द बिगेस्ट चैलेंज इन सेटिंग अप अ बैड बैंक। अब कुछ सेंट्रल बैंक्स भी सपोर्ट में खड़े हुए कि बैड बैंक को एस्टैब्लिश करने का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो किस चीज़ का है? कैपिटल का। एट लीस्ट 25,000-30,000 करोड़ ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू सेटअप बैड बैंक, कि इतने पैसे चाहिए बैड बैंक को सेटअप करने में। एंड वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? आस्क द सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल। देन आरबीआई डिप्टी, अब ये लास्ट हम पहुंच गए हैं इस पैराग्राफ के, यहाँ तक आपको पढ़ के ये समझ में आया है कि अभी तक हम सिर्फ बैड लोन्स की बात कर रहे हैं कि बैड लोन्स ने किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और अलग अलग बैंक्स को किस चीज़ की वजह से उसको रोका नहीं जा रहा है, वो है कैपिटल की कमी, ठीक है। और जो इससे हमारी प्रोग्रेस रुक रही है, यहाँ पर प्रोग्रेस में कमी आई है, ARCs ने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं थी, ठीक है। कोटक महिंद्रा ने कैपिटल को इक्वेट करने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर आया है कि सेंट्रल बैंक्स ने भी ये कहा है कि जब तक बैड बैंक्स को इतने पैसे नहीं मिलेंगे वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ RBI डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य रिसेंटली सजेस्टेड 2 मॉडल्स। अब यहाँ पर हमारे पास, हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, तो RBI के डिप्टी गवर्नर ने हमें 2 मॉडल्स सजेस्ट किए। द फर्स्ट इज़ प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, ये फर्स्ट है। इज सेट टू बी द सूटेबल फॉर सेक्टर्स विद द स्ट्रेस इज सच दैट एसेट्स आर लाइकली टू हैव इकोनॉमिक वैल्यू इन शॉर्ट रन, कि जो प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो उन सेक्टर्स के लिए अच्छी हैं जहाँ पर एसेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू है कुछ शॉर्ट टर्म में, विद मॉडरेट लेवल्स ऑफ डेट फॉरगिवनेस, जहाँ पे हम कर्ज माफ़ी कर सकते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल की। सम ऑफ द सेक्टर्स विच दिस मॉडल कुड एड्रेस आर मेटल्स आर टेलीकॉम एंड टेक्सटाइल। अब ये 2 सेक्टर्स के नेम भी बताए हैं कि टेलीकॉम एंड टेक्सटाइल ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये जो प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम कर सकती हैं, ठीक है। इन दिस मॉडल ईच रेजोल्यूशन प्लान वुड गेट वेटेड एंड रेटेड बाय एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन। द बैंकिंग सेक्टर मे बी आस्क्ड टू रिजॉल्व एंड रीस्ट्रक्चर से इट्स 50 लार्जेस्ट एक्सपोजर इन दिस सेक्टर्स बाई December 31, 2017। अब इन दिस मॉडल, हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं? BAMC की। ईच रेजोल्यूशन प्लान वुड गेट वेटेड, कि हर प्लान वेटेड हो जाएगा एंड रेटेड बाय द 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इसको रेट करेंगी, इसको एनालाइज करेंगी टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ, ताकि पता चल सके कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और द बैंकिंग सेक्टर में भी आस्क्ड टू रिजॉल्व द रीस्ट्रक्चर 50 लार्जेस्ट स्ट्रेस्ड एक्सपोजर इन दिस सेक्टर्स, कि शायद ऐसा हो कि जो बैंकिंग सेक्टर को ये हिदायत दी जाए कि वो इन 50 जो एक्सपोजर्स हैं इस सेक्टर के उनको रिजॉल्व एंड रीस्ट्रक्चर करें। द डिप्टी गवर्नर हैड प्रपोज्ड द सेकेंड मॉडल इज नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारे पास फर्स्ट था PAMC, सेकेंड है NAMC, विच वुड बी नेसेसरी फॉर सेक्टर्स विद द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट वन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी बट पॉसिबली ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिकली अनवायबल एसेट्स, कि जहाँ पर हमने यहाँ पर उन एसेट्स की बात की थी जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर पॉसिबली द इकोनॉमिकली अनवायबल एसेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे एसेट्स जो हमारे लिए वायबल नहीं है इकोनॉमिकली वो ज़्यादा हैं शॉर्ट और मीडियम टर्म में। मिस्टर चारेस हाइटेड द एग्जाम्पल ऑफ द पावर सेक्टर, कि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ये NAMC को हम अप्लाई कर सकते हैं।
Where projects have been created to deliver aggregate capacity that is beyond the estimated peak utilization in any time soon. क्योंकि पावर सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर हम एग्रीगेट कैपेसिटी को डिलीवर करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं जिसकी जो एस्टिमेटेड दैट इज़ बियॉन्ड द एस्टिमेटेड पीक यूटिलाइजेशन, कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था, हमने इसमें जो बैड लोन्स थे उसकी प्रॉब्लम्स को पढ़ा, और आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उसने दो हमें मेथड्स दिए, मॉडल्स दिए उसको सॉल्व करने के, और आपको मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ अब आपको इजीली समझ में आया। हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज पॉसिबल रीजन बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ टोटल स्ट्रेस इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कि पॉसिबल रीज़न क्या है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में टोटल स्ट्रेस का, इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस का रीज़न क्या है। इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट, क्या हमने पूरे पैसेज में एक बार भी इंडियन गवर्नमेंट पढ़ा? नहीं, तो ये आंसर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। देन द बैंकिंग रेगुलेटर रिसेंटली हैज़ रेज्ड अ रेड फ्लैग ओवर द इनडेटनेस ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर एंड आस्क बैंक टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग। हमने लाइन पढ़ी थी, हम इसको ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव फार्म लोन्स टोटलिंग मोर देन 1 लाख करोड़, बिजनेस से कहीं पे भी फार्म लोन्स की बात आई थी? नहीं, ना ही इसमें से नन ऑफ द अबव है, क्योंकि एक हमारे पास रीजन है कि जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अपने जो रेड फ्लैग्स हैं वो दिखा दिए हैं अब टेलीकॉम सेक्टर को, ताकि वो एसेट प्रोविजनिंग कर सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, आपको जब आपने पैराग्राफ को समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वापस पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको लगता है कि कभी आपको रीड करना पड़े वापस, तो आप वापस जाइए पैराग्राफ पे, लेकिन तब आपको ये होगा कि आपको पता है कि ये आंसर कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। देन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बैड लोन्स इन इंडिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैव ऑलमोस्ट डबल इन द पास्ट ईयर, ये हमने पढ़ा था। स्ट्रेस एसेट इन सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अप्रोच्ड और इवन एक्सीडेड 20%, ये भी हमने रीड किया था। तो जो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, वाई इज इकोनॉमिक सर्वे 2016 एडवोकेटेड फॉर सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, कि उसने क्यों कहा कि हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है जो सेंट्रलाइज्ड हो। टू डील विद द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज प्रॉब्लम, टू वेव फार्म लोन्स तो हो ही नहीं सकता, टू वेव इंडस्ट्रियल लोन्स भी हमने, क्योंकि लोन्स रेजमेंट की बात ही नहीं करी, ठीक है। टू डील विद द बैड लोन प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बैड लोन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, और बैड लोन प्रॉब्लम्स हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये एजेंसी है वो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ना कि बैड लोन्स की, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन सेटिंग अप ऑफ अ बैड बैंक, कि बैड बैंक को सेटअप करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? नहीं। अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरबीआई तो खुद ही एडवोकेट करता है कि उसको एक ऐसी एजेंसी चाहिए, तो ये भी गलत है। एंड एफिशिएंट पॉलिसी, पॉलिसी तो हमें बनानी ही नहीं है, उसमें पॉलिसी बनी हुई है, तो ये भी गलत। जो बेसिक हमने पढ़ा था कि बैड बैंक को बनाने के लिए कैपिटल नहीं मिलता, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इज सुटेबल फॉर स्ट्रेस्ड इन पावर सेक्टर, पावर सेक्टर के लिए हमने कौन सा पढ़ा था? अगर आपको याद होगा, पावर सेक्टर के लिए हमने NAMC को रीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने से पता चल गया कि NAMC जो पावर सेक्टर के लिए है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? NAMC।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड पैसेज. अब अनबायबल का क्या मीनिंग है? अगर हम वापस से पैराग्राफ में जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के थे. एक तो था कि जिनके इकोनॉमिक वैल्यू है एसेट्स, ठीक है, और एक एसेट्स थी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू होने का मतलब वो प्रॉफिटेबल थे, ठीक है. और जो यहाँ पर इकोनॉमिकली अनवाइबल मतलब उनका कोई प्रॉफिट नहीं है हमारे पास उनका कोई फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है. तो नॉट इम्पॉर्टेंट तो हो नहीं सकता, इकोनॉमिकली नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट कन्वीनियंट भी नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल मतलब हम उससे कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं. अनवाइबल मीन्स नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट फिजिबल. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मोमेंटम. मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड मोमेंटम. मोमेंटम से आपको याद होगा कि मोमेंट से ये वर्ड आया है, तो मोमेंट मतलब ड्राइव, ठीक है. लिथर्जी का मतलब समथिंग वेरी लेजी, और जिसमें कोई जान नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, उसको हम लिथर्जी बोलते हैं, ठीक है. वीकनेस भी हो नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम का सिमिलर तो वीकनेस होगा नहीं. स्टफ़ तो कहीं से भी मोमेंटम के आसपास भी नहीं जाता, तो सिर्फ मोमेंटम का क्या आएगा? ड्राइव. देन नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडेड. इम्पीडेड जैसे मैंने पढ़ा था कि वो हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं? इम्पेड करते हैं. तो इम्पेड का मतलब है एडवांस तो करेंगे नहीं, ठीक है. अनक्लॉक भी नहीं करेंगे क्योंकि क्लॉक का मतलब है रुक जाना और अनक्लॉक का मतलब है खुल जाना, ठीक है. तो ये तो इम्पीड का कहीं से भी सिनोनिम नहीं है, सिमिलर नहीं है. लिबरेट मतलब खुला छोड़ना, आज़ादी देना, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए. तो इसका सबसे ज़्यादा क्लोज सिमिलर क्या है? ब्लॉक. और हमारा आंसर क्या हो गया? ए. और ये सारे वर्ड्स आपको पैसेज को रीड करके भी समझ में आ सकते हैं कि इसका पैसेज के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होगा, तो वो आपको इजीली समझ में आएंगे. नेक्स्ट है वेटेड. वेटेड अभी हमारे पास आया था कि हमने वेटेड, अगर मैं आपको लेके जाऊं वापस से, तो यहाँ पर वेटेड का मतलब है वुड गेट वेटेड एंड रेटेड. रेटेड सबको समझ में आएगा कि हमने उसको रेटिंग्स करनी है, और वेटेड का मतलब है उसको एनालाइज करना है, ठीक है. तो वेटेड मीन्स टू एनालाइज, टू एग्जामिन, और हमें इसका मोस्ट ऑपोजिट चाहिए, ठीक है. ऑडिट का मतलब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं. एक्सप्लोर का मतलब किसी चीज़ को खोजते हैं. स्वीप का मतलब क्लीन कर दिया, ठीक है. लेकिन वेटेड का मतलब क्या है? एग्जामिन करना, ध्यान से देखना. तो जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसको इग्नोर करना, ठीक है. तो हमने उसको इग्नोर कर दिया. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी. देन हमें पीक का मोस्ट ऑपोजिट वर्ड कहा गया है. पीक मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. तो क्रेस्ट का मतलब होता है कि माउंटेन हिल का जो टॉप पोजीशन है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम हो गया. स्पाइक्स, अगर आपको याद होगा कि एक हेयर स्टाइल था जिसमें स्पाइक्स बनती थी, बाल तीखे दिखे करके खड़े करते थे, याद है लड़कों को तो याद होगा. तो स्पाइक्स का मतलब है समथिंग दैट इज थिन एंड शार्प एंड पॉइंटिंग अपवर्ड. एग्विल का मतलब है आई विल, इट मीन्स समथिंग रियली वेरी शार्प. लेकिन जो नादिर है, नादिर का मतलब है द लोवेस्ट, ठीक है. तो पीक का ऑपोजिट क्या होगा? नादिर. तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस किए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा स्लाइटेस्ट ईजी था, बट मैं जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ईजी इसलिए चूज़ किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा ना लगे कि मैम ने शुरू में ही डिफ़िकल्ट काम करवा दिया या कुछ भी.
तो इसलिए हमने बिगिनर्स के लिए इसको चूज़ किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आरसी पे आने वाली है, मे बी कल आएगी वो, उसमें हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आरसी लेकर आएंगे, वो भी द हिंदू से होगा और ये भी द हिंदू से लिया गया है। तो उसके लिए पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको कॉमेंट करना है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, आई होप आपको समझ में आया, आपने ध्यान दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइक एंड शेयर, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। देन आपने अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। थर्ड थिंग, आपको अपने हमारे चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट में आपको जीके डाइजेस्ट ज़रूर डाउनलोड करनी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे हर न्यू नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट, क्विजेज आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अपने बैंकिंग करियर को सेटअप करना है तो जीके डाइजेस्ट इंस्टॉल करना एक मस्ट है आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलेंगे। टिल देन आपको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को, अपनी स्किल्स को अच्छे से शार्पन करना है। थैंक यू सो मच and have a great day.